रायपुर में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 2 दिवसीय दिल्ली के दौरे के लिए रवाना हो गए हैं। इस दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि AICC की जो हमारी 3 दिन की बैठक थी उसकी रिपोर्ट हाईकमान को हम सौंपेंगे, वहीं उस पर जो चर्चा होगी और जो भी दिशा निर्देश होंगे उसके आधार पर हम आगे काम करेंगे। वहीं प्रशासनिक फेरबदल को लेकर पूर्व CM बघेल ने कहा कि नई सरकार बनी है, ट्रांसफर होता रहता है, अच्छा काम करें और सभी अधिकारियों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। इंडिया गठबंधन को इलेक्शन कमीशन द्वारा अब तक समय नहीं दिए जाने पर पूर्व CM ने कहा कि बहुत गंभीर बात है, इलेक्शन कमीशन को विपक्ष की बात सुनाई देना चाहिए। तो हम लोगों ने 3 दिन जो बैठक की और उसकी रिपोर्ट आज हाईकमान को हम लोग सौंपेंगे, उसमें चर्चा होगी, जो भी दिशा निर्देश होगा आगे हम लोग बढ़ेंगे। ट्रांसफर सब होते रहता है, नई सरकार बनी है, ट्रांसफर हुए हैं, अच्छा काम करे, सभी अधिकारियों को मैं शुभकामना देता हूँ। बहुत गंभीर बात है कि इलेक्शन कमीशन को विपक्ष की बात सुननी चाहिए। यदि कोई बात करें, अगस्त से समय मांग रहे हैं और अभी तक के आखिरी लेटर जयराम रमेश जी का है, जो हमारे महामंत्री भी और राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, और उसके बाद भी समय नहीं देना, इसका मतलब ये है कि आप विपक्ष की आवाज़, आप उसकी बात सुनना ही नहीं चाहते।